शुरू हो चुकी है करेंसी वॉर। और तुसी पूछोगे ये करेंसी वॉर है की? जी हाँ, ये वॉर शुरू कीती है अमेरिकी डॉलर के खिलाफ पुतिन ने। की ये पूरा मामला आओ दसते हैं। रूस यूक्रेन जंग दे 2.5 साल बीत जाने के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पच्छमी देशों विरुद्ध मोर्चा खोलना जारी रखा हुआ है। पच्छमी देशों दी पाबंदियां ते कौमांतरी अदालत वालों जंगी अपराधी ऐलाने जाने के बावजूद कजान विच ब्रिक्स सम्मेलन करवा के पुतिन ने यह सुनेहा दिता है कि रूस इकला नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन च राष्ट्रपति पुतिन ने ना सिर्फ दुनिया भर के 36 देशों के मुखिया की मेजबानी की सगों अमेरिकी डॉलर खिलाफ मुद्रा युद्ध यानी कि करेंसी वॉर भी शुरू कर दिती है। इस सम्मेलन का उद्देश डॉलर के लैण देन नूं घटाउण दे तरीकियां नूं तेज करना सी। पुतिन ने कहा कि डॉलर की बजाय स्थानक मुद्रावां की वरतों अज की दुनिया के संदर्भ में आर्थिक विकास नूं राजनीति तो मुक्त रखने विच मदद करती है। रूस ने यह दावा किया है कि 159 देश ब्रिक्स समूह द्वारा विकसित किए जाने वाले ब्रिक्स पे भुगतान प्रणाली नूं अपनाउण लई तैयार ने। 2022 विच यूक्रेन ते रूस दे हमले तो बाद पछमी देशां ने रूसी संपत्तियां दे 282 बिलियन डॉलर दी रूसी संपत्ति नूं फ्रीज कर दिता ते रूसी बैंकां नूं स्विफ्ट तों कट दिता, जिस दी वरतों लगभग 11,000 बैंकां द्वारा सरहद पार भुगतानां लई कीती जांदी है। अमेरिका ने रूस के युद्ध यत्नां का समर्थन करने वाले दूजे देशों के बैंकों से पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। इस सुनामी ने केंद्रीय बैंकों नूं सोना जमा करन ते अमेरिका के विरोधियों नूं भुगतान लई डॉलर की वरतों करन तो दूर जाण लई प्रेरित किया है, जिस नूं चीन अपनियां सब तो वड्डियां कमजोरियों विचों एक मानता है। पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन विच डॉलर प्रति असंतुष्टि का फायदा चुकण की उम्मीद कर रहे ने। रूस ब्रिक्स देशों की अपनी स्विफ्ट भुगतान प्रणाली बनाउण ते काम कर रहा है, जो बेल्जियम स्थित पछमी देशों की मौजूदा स्विफ्ट भुगतान प्रणाली नूं बाईपास कर सकता है। चीनी मीडिया का कहना है कि ब्रिक्स की नवी भुगतान प्रणाली एम्ब्रिज ते आधारित हो सकती है, जो कि BIS द्वारा चीन, हांगकांग, थाईलैंड ते UAE दे केंद्रीय बैंकों नाल विकसित भुगतान प्रणाली है। BIS का यह प्रयोग 2019 विच शुरू किया गया सी। जून विच सऊदी अरब का केंद्रीय बैंक 5वें भागीदार वजों शामिल होया। प्लेटफॉर्म ने हुण तक सैकड़े लैण देण कीते ने। कजान रूस विच ब्रिक्स आउटरीच सैशन विच विदेश मंत्री S. जयशंकर ने विवादां नूं सुलझाउण लई गलबात दी लोड़ ते जोर दित्ता। उन्होंने कहा कि एक बार समझौते किए जाने तो बाद उन्हां दी पूरी तरह पालना की जानी चाहिए है। मीटिंग विच एशियाई, अफरीकी, पछमी एशियाई अते लतीनी अमरीकी देशों के नेतावां समेत लगभग 36 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।